सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सेवंथ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24। एक त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति DE तथा भुजाओं का अनुपात 2:3:4 दिया हो। तो हमने क्या करना है, परिमिति दी है तो परिमिति की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि तीनों भुजाओं के योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को परिमिति कहते हैं। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी तरह से त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग एक परिमिति के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने परिमिति लेनी है DE जो हमें दिया है, इस तरह से परिमिति ले लेते हैं भाई इसकी, इस तरह से ये हम दे देंगे यहाँ पॉइंट डी, इसका नाम हमने दे दिया E। अब देखो अनुपात हमें दिया हुआ है 2:3:4, हमने इसको जोड़ना है। तो 2 और 3 कितने होते बच्चों, शाबाश 5, 5 और 4 कितने हुए, शाबाश 9, तो कितने हुए 9। आपने भी अपने दिमाग में जोड़ना है। अब हमने क्या करना है, ये जो रेखा है इस रेखा के हमने बराबर 9 भाग करने हैं। तो 9 भाग करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है भाई, कैसे करते हैं, तो यदि आपने छठी कक्षा अच्छे से पढ़ी होगी, छठी कक्षा के आपने जो ज्योमेट्री के सवाल है वो अच्छे से किए होंगे, तो आपको पता होगा कि एक रेखा के भाग कैसे किए जाते हैं, वो भी बराबर। उसके लिए आपने क्या करना है, डी पॉइंट से आपने एक न्यून कोण बनाना है। यहाँ से ये बेटा आपको आएगा स्केल ड्राइंग में, जब आप स्केल ड्राइंग पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे भाग करने पड़ेंगे 3 और 5, 3 भाग लेंथ में, 5 ब्रेथ में, हाइट में, तब आपको इन सवालों की जरूरत पड़ेगी। तो अभी से अच्छे से सीख लो, इस तरह से डॉटेड लाइन लगा दो। अब इसमें आपने बराबर 9 निशान लगाने, भाग नहीं करने, बराबर 9 निशान लगाने। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इस समस्या को। देखो यहाँ से हमने प्रकार खोल दिए, मान के चलो मैंने इतनी प्रकार खोल दिए और मैंने यहाँ से निशान लगाने शुरू कर दिए हैं। देखो एक, मैंने भाग नहीं कर रहा हूँ सिर्फ निशान लगा रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। देखो मैंने 9 निशान लगाए, कोई मैंने भाग भूग नहीं किए हैं। इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे F। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप भाग बड़ा भी खोल सकते हैं प्रकार, इससे छोटा भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अब आपने क्या करना है इसमें, ये लास्ट पॉइंट हमारा 9 है क्योंकि जोड़ 9 आया था, तो 9 को आपने मिला देना है E के साथ, ये आपका E है। अब यहाँ से हमने इसको डॉटेड मिलाना है क्योंकि ये हमारी अंश रेखा नहीं है, ये हमारी सहायक रेखा है। तो सहायक रेखा हमेशा होती है डॉटेड लाइन, आपने बड़ा ध्यान रखना है बच्चों, आपको अच्छे मार्क्स तब मिलेंगे जब आप अच्छा कार्य करोगे। ये देखिए अब हमारे पास क्या है, 3 और 2 कितने होते हैं भाई, 5, ठीक है जी। तो देखो एक तो ये है हमारे पास पॉइंट 2 है, फिर 3 और 2 हुए 5, फिर 5 और 4 हुए 9, तो 9 को तो हमने मिला दिया। तो हमने क्या मिलाना है, 2 और 5, ठीक है। तो अब आप ने क्या करना है, यहाँ से हमने समानांतर ये रेखा आई 9 और E जो ये आपकी रेखा आ रही है, ये लाइन आ रही है, इसी के समानांतर आपने रेखा खींचनी है, 5 से खींचो चाहे 2 से खींचो। तो हम पहले 2 से रेखा खींचते हैं क्योंकि आपको मैं फिर समझाता हूँ। ये देखिए ये हमने 2 से खींच लिए, पहला पॉइंट हमारे पास था 2, ठीक है जी। तो हमने 2 से रेखा खींच लिए, तो जहाँ पे ये रेखा आ रही है यहाँ पे, या हम नाम दे देते हैं इसका A। अब आप नाम ऊपर दे दो चाहे आप लाइन के नीचे नाम लिख दो, जहाँ आपको सूटेबल करता है, हम यहाँ लिखते हैं इसका नाम A। अब
या तो आप इसके समानांतर पीछे को ले लो लाइन दो तीन तक पांच तक, पांच तक क्यों, क्योंकि दो और तीन पांच, तो एक दो ये आपके तीन पॉइंट है ना, तो एक दो तीन, ठीक है, दो अनुपात तीन, दो अनुपात आके फिर अगले तीन है, तो एक दो तीन आएंगे पांच पर, तो हम यहां से जो है इसके पांच के समांतर जो है वो यहां से रेखा खींचेंगे, ये हमारे पास पॉइंट है पांच यहां पे, ये देखिए यहां पे, ठीक है जी। अब पांच से ही हम यहां से डॉटेड लाइन लगाएंगे डी ई रेखा तक, ये हमारी आ गई है और इसका नाम हम दे देते हैं बी। अब ये हमारा दो तीन चार अनुपात में ये बढ़ चुका है, तो अब हमने क्या करना है, अब इसके ऊपर त्रिभुज तो ये बनी नहीं क्योंकि इसने कहा था कि त्रिभुज बनाओ, अब त्रिभुज कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या करना है ए पर प्रकार रखो, डी पॉइंट तक खोलो और यहां से एक चाप लगा दो डॉटेड, इस तरह से हमने लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पर प्रकार रखेंगे और डी पॉइंट जितनी डी से यहां से बी से ई जितनी प्रकार खोलेंगे, भाई ये ई पॉइंट हमारे पास है और यहां से हम जो है वो डॉटेड लाइन लगाएंगे जो इस चाप को काटेगा, इस तरह से हम यहां से चाप लगाएंगे, लाइन नहीं लगाएंगे चाप लगाएंगे यहां से इस तरह से। अब कितनी प्रकार खोली हमने, शाबाश, बी पर प्रकार रखी और ई जितनी प्रकार खोल दी थी यहाँ पे हमने इस तरह से, फिर हमने यहाँ पे एक चाप लगा दी है, इस तरह से हमने चाप लगा दी है। अब जहां पे ये दोनों चापे कट रही है ये आपको पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आपका आ गया सी। अब हमें क्या करना है भाई, ए सी को आपस में मिला देना है और ये हम मिलाएंगे डार्क, बिल्कुल डार्क, ठीक है जी। अब हमने बी और सी को भी मिला देना है, ये हमारा पॉइंट आ रहे हैं, ये आपकी आ गई बी सी रेखा। अब हमने क्या करना है, ए बी को भी थोड़ा डार्क कर देना है इस तरह से, ताकि अब देखो ये आपका आ गया दो अनुपात तीन अनुपात चार, ये आपका दो तीन चार, ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर 24 हल हो चुका है। और ये इम्पोर्टेंट बहुत है भाई, ये पेपर में जरूर आता है, इसलिए इसको आसानी से आपने समझना है और कम से कम चार पांच बार इसकी तैयारी आपने करनी है, ये आपका बन के तैयार हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चतुर्भुज के प्रश्न करवाऊंगा, तो आपने परिभाषाएं याद करनी।